ट्रैक्टर था ना ये तैयार होके जाना था भाई साहब के पास, सिद्धू मूसे वाले के पास। सिद्धू मूसे वाले के पास जाना था ट्रैक्टर तैयार हो गए, क्योंकि उनकी डिमांड थी भी जब हमारा ट्रैक्टर तैयार होगा तो पहले उधर जाके वीडियो वगैरह बना के और फिर बाद में बाहर भेजना है। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर जाना तो वैसे यूएसए था, लेकिन ट्रैक्टर यहाँ से तैयार करके पहले सिद्धू के घर जाना था, वहाँ पे सिद्धू के साथ इसकी फोटो वोटो हो गए तब यूएसए ट्रैक्टर भेजना था। फिर ये तो दिल का अलमान दिल में ही रह गया भाई, बहुत बुरा होया। वो वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ने राम राम। आज आप ना दिखाओगे HMT 5911, अगर पंजाबी में बोले तो 911। ये ट्रैक्टर भाई बूट ट्रैक्टर वर्क साहब तैयार होया, और हमारे साथ है प्रताप उर्फ किंटा भाई जी, जो ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज देंगे। नमस्कार प्रताप जी। नमस्कार। जो ट्रैक्टर तैयार है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताओ। ये ट्रैक्टर 5911 है जी, HMT। हाँ, लेकिन इसको 5911 इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें जो इंजन है ना वो भी बड़ा है। अच्छा, बड़ा इंजन डाल दिया। हाँ, इंजन इसमें बड़ा है जी। हाँ, तो 90 HP का इंजन है इसमें। अच्छा, 90 HP का बना दिया। रोटरी पंप में, रोटर पंप का, और पावर स्टीयरिंग, साइड गियर, 18x34 के टायर हैं इसमें। हर तरह से बड़ा कर दिया ट्रैक्टर को जी, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। ये ट्रैक्टर जाएगा यूएसए। यूएसए जाएगा जी। आगे वाले टेयर हैं जो ये भी रेडियल है पीछे वाली गुड्डी की तरह, और जो पीछे वाले है 18x34 के, लेकिन है रेडियल। रेडियल में ये जी, ये देखो ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेप हो गए दोनों साइड। अच्छा, दोनों साइड बना दिया प्लेटफॉर्म। हाँ, इंडिपेंडेंट जो क्लच पैडल और ब्रेक पैडल। हाँ, ऐसे ऊपर कर दिए जोंडियर की तरह। हाँ, और साइड गियर, साइड गियर बना दिया। ठीक है जी। और बाकी जो फंक्शन है इसमें, जो साइड पे है, जो जैसे हैंड ब्रेक हो गई, अभी जैसे वर्क चल रहा है ट्रैक्टर का, कंप्लीट नहीं है ट्रैक्टर, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो इधर चेसी का ये फ्रेम बना रखा है, जैसे सिद्धू मूसे वाले भाई साहब का ट्रैक्टर का था ना। हाँ, वैसी लुक हमने। अच्छा, पूरे ट्रैक्टर में चेसी बना दी। हाँ जी, इधर भी और परली वाली साइड, दोनों साइड। और स्टील वाला बम्पर है, जो स्टील बम्पर बनाया आगे, स्टील बम्पर है। ये जो होल है इनमें लाइटें लगेंगी। अच्छा, ये जैसी एक लग गई है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये वैसे सैंपल लगा रखा है, फिटिंग करके देखी थी। एक ऑरेंज रेड ऐसे लगेंगी। ये पीटर बेल्ट ट्रक की है, पीटर बेल्ट ट्रक की जो लाइट इसमें लग रही है। ओके, ये बाहर से ही इंपोर्ट करवाई थी उन्होंने। अच्छा, ये बनी चेसी साइड भी जी। ये चेसी है, देखने में भी सुंदर लगती है और मजबूती भी होगी थोड़ी। और बाकी लगा लो ये फेंडर है, जो ये लंबे किए हुए हैं ऐसे, तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ होने दे। और ये भी लाइट लगेंगी यहाँ पे, और यहाँ पे हीट गार्ड बना रखे हैं, हीट गार्ड लगेंगे दोनों साइडों पे। अच्छा, अभी लगने बाकी हीट गार्ड। सेपरेटर हो गया रोटरी पंप के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि जितना भी सेफ्टी हो ना रोटरी पंप को उतना ही अच्छा है। वाटर सेपरेटर हो गया, फिल्टर हो गया, और पीछे जो फिल्टर है वो अलग से है। 3-4 फिल्टर में से हो गया, अगर तेल जाएगा तो रोटरी पंप का लाइफ बनी रहेगी। हाँ जी, ये एयर टैंक है, प्रेशर वाले हॉर्न लगेंगे, और पाइप लगेगी अगर टायरों में, अगर कहीं पे आप हवा लगानी चाहते हो तो। अच्छा, जैसे ये कंप्रेसर है यहाँ पे इंजन के अंदर, ये रहा जी जी जी, ये तो कंपनी से साथ में आता है ना। हाँ, कंप्रेसर। ठीक है जी। और बाकी जो आगे वाली हेडलाइट ने LED है, फार्म ट्रैक वाली है। हाँ जी। अच्छा, ये तो अलग ही चीज बनाई है आपने भैया। हाँ जी, ये शुरुआत हमने की थी इसकी। हाँ, तो सबसे पहले हमने वन टच बटन में है ना, एक बार फिर खोलिए दोबारा बंद करके। इसमें ऐसे वो बस एक बटन से ना ये बटन बना दिया इन दोनों लाइटों के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी फिटिंग है ये भी। हाँ जी, डिजाइन भी अच्छा लगा इसका। हाँ जी, ऐसे बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, और ऐसे मस्त लग गया डिजाइन। ऐसे, ऐसे ज्यादा नहीं, ऐसे बस ऐसे करके ऐसे छोड़ दो बस। अच्छा, आगे अच्छे ही बंद हो रहा है। पीछे दो जैक लगा रखे हैं, और पीछे वाला जो मैकेनिज्म है ना वो भी हमने इसका अलग बनाया थोड़ा। जैसे बोनट ऊपर उठेगा थोड़ा। हाँ, आगे भी होगा। अच्छा, आगे सरक जाएगा। ऐसे जो किनारा होता है ना। हाँ, ये ऐसे एक दूसरे के साथ रगड़ाए ना। यहाँ ये देख देख रहा हूँ, एक बार कर रहे हैं। हाँ, करना दोबारा, इतना गैप हो जाता है ये रहना। ये देखो। हाँ हाँ, ये दूर हट जाएगा। ठीक है, ऐसे वधिया लग गया ये भी। अच्छा, ये स्पिनर वगैरह भी, इसके बारे में बताओ थोड़ा। रेडीमेड आते हैं। अच्छा, टायर दे निकल करी है रिमा दे। हाँ, ये रिमो पे अभी तो हमने ना इस पे मुगलैल तेल लगा देते हैं। हाँ, इस पे जंग ना लगे। हाँ, बाकी इसमें कोई वो ओरिजिनल निकल नहीं होती है ये। ठीक है जी, इसकी तो केयर बहुत करनी पड़ती है।
जो सही कंपनी पेंट देती है ना, हाँ। पेंट तो पेंट ही होता है, लेकिन इसकी केयर बहुत करनी पड़ेगी। इसका पाउडर आता है एक स्पेशल, सभी को पता ही है, पॉलिश आती है, रबिंग आती है, वो बफिंग करनी पड़ती रहती है। अच्छा, ये स्पिनर भी डबल डाले हैं ना? हाँ, डिजाइन आते ही रहता है कोई ना कोई नया। अच्छा, टायर रेडियल दे हो गए, और ये पीछे लिंक वगैरह भी स्टील की है क्या के निकल हुई है? नीचे तो भाई सब लोहे है, ये ऊपर इसके पॉलिश हो गई है। अच्छा, पॉलिश हुई है सारी। हाँ जी, तो मतलब वखरा ही टोरा बन गया ट्रैक्टर का। हाँ जी, हाँ जी, ऊंचाई काफी बन गई ना। हाँ, ऊंचाई हाइट भी ज्यादा हो गई। हाँ जी, और इसके अलावा कौन कौन से ट्रैक्टर तैयार होने लग रहे अपने पास में? बहुत ट्रैक्टर तो अभी मेरे ख्याल में 26-27 ट्रैक्टर हैं, जो 26-27 ट्रैक्टर खड़े हैं, 26-27 ट्रैक्टर हैं जो अभी किसी का सैंड ब्लास्टिंग पे लगा हुआ है। हाँ हाँ, कोई किसी का मैकेनिकल वर्क चल रहा है, जैसे ये फोर्ड है। हाँ जी, ये भी 3-4 दिन तक कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या क्या काम बकाया बताया जी? इसका आगे वाले टायर रहेगी चौड़े वाले। अच्छा जी, रियर टायर। हाँ, ये बोनट की फिटिंग रहेगी। हाँ, पीछे वाले टायर और छतरी और स्टीरियो सिस्टम। हमने 2-4 काम इसके बकाया बैलेंस बचे हुए हैं अभी, जैसे ये सारा पेंडिंग सामान है ना, पेंट करके इसके साथ ही आगे लटकाया हुआ है, ऐसे ऐसे फिटिंग होती जाएगी। तो जाली भी हम खोल के पेंट करते हैं, ये नहीं भी ऐसे ही लगा दो, इसी करके टाइम लगता है। अजय, सारा एयर वगैरह के लिए इसके लिए ना? हाँ, ये देखो, इस पर भी प्रेशर होने लगने हैं। ये सारा हैंडमेड है, हम खुद तैयार करते हैं इसको। अच्छा, ये जो इसका ROPS बनाया है फाइबर छतरी के लिए, ये सब खुद का हैंडमेड है? अंदर वाली साइड भी सपोर्ट लगा रखी है, ये अपना फेंडर फटेगा नहीं। और ये सील लगा रखी है कि नट अपने आप खुल ना जाए। ये देखो, हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ में थोड़ी बहुत को कमी निकल आती है ना। हाँ हाँ, हम उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा रेनोवेट का काम है ना, कि हमारा नया मैन्युफैक्चरिंग का। नया मैन्युफैक्चरिंग, जो पुरानी चीज़ को हम नया जैसा बनाते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी तो निकल आती है। कमी नहीं निकलती है, सही बात है। ये तो कहने की बातें हैं कि हमारा हाथ लग गया तो ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ये तो मशीनरी है भाई साहब, इसमें आप ऐसा करो, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, हर बार अच्छा करने की कोशिश करो, हर बार अच्छा। जैसे अब ये लाइटें थी, ये हाइलक्स में एक प्रॉब्लम आती थी, उसमें पानी पड़ जाता था। अब हमने मिंडा की लगानी शुरू कर दी, जो ट्रैक्टर के साथ आती है मिंडा की आती है, तो फार्म ट्रैक के डब्बे में पैकिंग बंद ही आएगी। ये भी पैकिंग में आती है फार्म ट्रैक की में, ये छोटी लाइट है ना जो, ये भी मिंडा की, और ये भी सारा सेट ही मिंडा का कर दिया, वायरिंग से लेके हेडलाइट, फेंडर वाली लाइटें हो गई और सारा। ये ट्रैक्टर कंपनी का, ये देखो, ये छतरी लगने में आया है। ये देखो, ये भी मिंडा की है, यही पार्ट नंबर उसी पे होगा, वही इसी पे है। अब इसके अलावा और कौन कौन से ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं अपने पास में? ज्यादातर तो फोर्ड है जी। अच्छा जी, फोर्ड बाहर खड़े होंगे ना? हाँ, चलो बाहर दिखाते हैं। वो तो सभी का, जैसे ये खुले पड़े हैं। हाँ, 4 ट्रैक्टर तो इस एरिया में पड़े हैं, किसी का गियर पड़ा है, किसी का इंजन पड़ा है, और अभी 3-4 ट्रैक्टरों का सामान ग्राइंडर पे गया हुआ है, जैसे इंजन का काम होना है, सलीबे लगनी है, क्रैंक ग्राइंड होनी है, ऐसा सारा काम, ठीक है जी। और उसके बाद जो सारा असेंबल होके फिर इस जगह तक आने के लिए अभी वो 6-7 ट्रैक्टर जो हैं पेंडिंग खड़े हैं बाहर, जैसे 2 चेसी तैयार होकर सैंड ब्लास्टिंग पे लगी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। अस्त्र बज गया, रंग तो लग गए। अच्छा, अस्तर हो गया, पर रंग लग जाएगा। एस्कोर्ट 325 है, एस्कोर्ट 325 दो सिलेंडर, सफेद रंग में जो आता था। हाँ जी, ये अब रंग पे लगेगा, इसकी शो मरगार्ड वगैरह सारा पेंट हो चुका है, अब ये पेंट पे लगेगा। ये टायर है जो नया डालेगा सैंड ब्लास्टिंग होके रिमूव पे। MT 75-11 के हाँ, सैंड ब्लास्टिंग होके अब इस पर अस्त्र लगा था, अब इसकी टचिंग हो गई है, यहाँ पे कोई खड्डा खुड्डा वो सारा बराबर हो जाएगा ना, फिर इसकी अच्छी तरह फिनिशिंग होगी, उसके बाद फिर पेंट होगा। ये देखो, चेक पट्टी होगी ना, इसको बोलते हैं चेक पट्टी, चेक पट्टी होके उसके बाद फिर इसकी रेगमर्क के साथ इसकी सफाई होगी अच्छी तरह, उसके बाद फिर पेंट होगा। ये देखो, ऐसे सफाई होगी, ये सैंड ब्लास्टिंग हो गया इसका ना। हाँ, इसको सैंड ब्लास्टिंग तो तब बोलते हैं जब इसमें रेता चलाएं। अच्छा अच्छा, हाँ, इसको वैसे सैंड ब्लास्टिंग बोल देते हैं, वैसे इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्लास्ट। शॉर्ट ब्लास्ट, हाँ, जैसे शॉर्ट होता है ना, तो ब्लास्ट कर देता है आगे से, जो भी आगे आएगा
सफाई कर देगा। अब जैसे ये फिल्टर नया लगेगा, इस पे शॉर्ट ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, पेंट होने के बाद ये फिल्टर नया लगेगा, इसकी ये भी नया लगेगा, फिल्टर की बॉडी पतली होती है वैसे ना। और ये देखो आपके सामने ये सारा पेंट उखाड़ के नीचे से बिल्कुल लोहा निकाल दिया, अब इसकी वॉशिंग होगी। ये फार्म ट्रक फोर्ड 3600 वाली, फोर्ड 3600 और फार्म ट्रक 65 वाले हिस्से में किया है, ये 16 के टायरों में ही चलेगा खेत में भी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये देखो आप सफाई देखिए वधिया कितना है। वैसे इतनी सफाई हो नहीं सकती, शॉर्ट ब्लास्टिंग बोलते हैं। हाँ जी, शॉर्ट ब्लास्ट। ये हमारे को कई चीजें खोल के फिर आगे कवर लगाने पड़ते हैं ना, जैसे ये देखो, अगर ये कवर ना लगाएंगे इसके नीचे जैन पेपर भी है। अच्छा, सलाके लगा रखी है। इससे पहले हम जैसे करते थे ना, अंदर दाना चला जाता थोड़ा बहुत, तो अपनी तरफ से सारा जोर लगाते हैं अभी, कहीं किसी सुराख कोई खुला ना छूट जाए, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत होती है। ये देख लो इतने सफाई आगे से लेके पीछे तक, यही कारण है कि फिर पेंट की क्वालिटी बन जाती है बढ़िया। क्वालिटी बनाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर भी हमारे को यही डर रहता है कि कहीं से पेंट उखड़ ना जाए, उखड़ ना जाए, उसी करके हम दो दो तीन तीन बार आप वॉशिंग करते हैं ट्रैक्टर की। नीचे थोड़ा सा ऑयल रह गया तो वहां से पेंट उखड़ जाएगा। अब इसके अलावा, और इसके अलावा आपके सामने सारा खड़े हैं। अच्छा, ये कुछ ट्रैक्टर आए, 6600 फोर्ड है, एक 6600 फोर्ड है, अभी तो चार पांच ट्रैक्टर तो इधर खुले पड़े हैं। ये 6600 फोर्ड, ये अभी अगले 10 दिन तक इसको, इसका ब्लॉक फटा हुआ है, ये भी तैयार होने के लिए है। हमारे भाई साहब जलंधर साइड के, उनका एक फोर्ड तैयार होके गया था 16 के टायरों में, तो उन्होंने फिर वो जब गया तो उसके बाद फिर ये भेज दिया। उन्होंने क्वालिटी देखी तो फिर दूसरा ट्रैक्टर आ गया, अगले को अच्छा लगा। और ये किर्लोस्कर तैयार हो लग रहा है, 4006। हाँ जी, ये भी सारा इसका मैकेनिकल वर्क है जो हमने खोल रखा है, और ये सैंड ब्लास्टिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि ज्यादा पहले करते हैं तो जंग पड़ जाता है, जंग पड़ जाएगा फिर। हाँ, तो ये हमने खोल के रखे हुए हैं, एक दो दिन तक इसका भी शॉर्ट ब्लास्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका जो आगे वर्क है वो शुरू हो जाएगा। 7500 लैंड आया हुआ है। हाँ जी, ये राजस्थान से आया है, राजस्थान से आया है। हाँ, राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर से आया है। और काफी सारे ट्रैक्टर खड़े उधर भी खड़े हैं ना। हाँ जी, तो चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी फिर। हाँ, तैयार होते हैं मैं, किसान भाइयों जैसे ही ट्रैक्टर तैयार हो जाएंगे तो हम इनकी एक वीडियो डालेंगे आपको, जोन जोन सा ट्रैक्टर भाई कंप्लीट होता रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग हम आएंगे। और ये जो ट्रैक्टर है 11 बड़े वाले ना, ये हमारे दिल में थी कि जब तैयार हो जाएगा, ये भाई साहब भी बोल रहे थे जिनका ट्रैक्टर है, जब ट्रैक्टर तैयार होगा तो सिद्धू मूसे वाले पाजी के पास फोटो करवा के फिर छोड़ के जाना। अच्छा, मतलब भाई साहब दिल के दिल में रहेगी, दिल के दिल में ही रहेगी। हाँ जी, ये बात बताओ, ये यहाँ पर भी है, कई सारे ट्रैक्टर खुले पड़े हैं। ये जो ट्रैक्टर था ना, ये तैयार होके जाना था भाई साहब के पास, सिद्धू मूसे वाले के पास, सिद्धू मूसे वाले के पास जाना था ट्रैक्टर तैयार हो गए, क्योंकि उनकी डिमांड थी भी जब हमारा ट्रैक्टर तैयार होगा तो पहले उधर जाके वीडियो वगैरह बना के और फिर बाद में बाहर भेजना है। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर जाना तो वैसे यूएसए था, लेकिन ट्रैक्टर यहाँ से तैयार करके पहले सिद्धू के घर जाना था, वहाँ पे सिद्धू के साथ इसकी फोटो वोटो होके तब यूएसए ट्रैक्टर भेजना था। फिर ये तो दिल का अलमान दिल में ही रह गया भाई, बहुत बुरा होया वो। चलो, तो सब दिल की दिल में, किसान भाइयों जैसे भी ट्रैक्टर है कंप्लीट हो रखा है जितना, और जैसे पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो इसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो मिलेंगे किसान भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।